हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज़ रंजन और आई होप आप लोग मस्त तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, आपके एग्जामिनेशन की बढ़िया फॉर्म में आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के पार्ट में और एक चीज़ ऐड करने के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इस कैलकुलेटर का वीडियो। यस, इस कैलकुलेटर का ऑपरेटिंग वीडियो जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो बच्चा इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है, उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। खासतौर पर फर्स्ट ईयर में जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल टाइप के सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी कई जगह पर कैलकुलेशंस की, कभी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कभी फेजर्स के फॉर्म में, है ना, कभी आपको इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, कभी फेजर में कन्वर्जन करना होगा। इन सभी चीज़ों का एक सिंगल सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को करेंगे स्टार्ट। कैलसी का मॉडल आपको मैं बता दूं, दिस इज केशियो FX991ES। ये जो ऑपरेशंस मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको की वाइज, ये ऑपरेशंस FX991ES प्लस के ऊपर भी लागू होंगे, ठीक है। और जल्दी ही दूसरे कैलकुलेटर के मॉडल्स का भी वीडियो ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, ठीक। तो आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो मैं होता हूँ यहाँ से ऑफ स्क्रीन और आप लोगों के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, आज जिस कैलकुलेटर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये FX991ES का कैलसी है और ये कैलकुलेटर्स इंजीनियरिंग कैलकुलेटर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी ऑपरेशन जो है आपको मैं फटाफट से बता दूँ, मेजर ऑपरेशन जो आपको इलेक्ट्रिकल के कैलकुलेशंस के भीतर जिसकी नीड रहेगी, ठीक। चलिए तो देखते हैं। तो ये इसके पूरे के पूरे कीज आप देख सकते हैं, ऊपर के सेगमेंट पे आपको शिफ्ट, अल्फा, मोड, ऑन, ये सब कीज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप एग्जामिनेशन के समय कैलसी को स्टार्ट करें तो ऑलवेज स्टार्ट बाय क्लियरिंग ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस। शिफ्ट 9, एसी और इक्वल टू, इस बटन से क्लियर कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं विद द इक्वेशंस पार्ट। तो ये इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, तीन अननोन्स के इक्वेशन से, टोटल तीन इक्वेशंस का सेगमेंट है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। -3i1 2i2 4i3 = 15। कैलकुलेटर को करते हैं ऑन सबसे पहले, तो ठीक है, ये पूरे फंक्शन में ये इसका ऑन का की है, इसे कर दिया मैंने ऑन। आपको कैलसी के टॉप पर अभी दिखाई दे रहा है डी और मैथ का ऑप्शन, ठीक है। डिग्रीज में आपका कैलसी आंसर करेगा और मैथ यानी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस जो है वो ये कैलकुलेटर परफॉर्म कर सकता है इस पॉइंट पर, ठीक है। कैलकुलेटर मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसकी क्वालिटी पे बिल्कुल मत जाइएगा, बस इसकी फंक्शनैलिटी जो है ये सीखेंगे हम लोग प्राइम प्रेफरेंस पर। चलिए, तो यहाँ पर सब बहुत सारे बटन से आप देख सकते हैं, जैसे 10^10 आपको ऐड करना है तो इसका ये बटन था (10^x) का, ठीक है। ये डी पे जरूर से फोकस करिएगा, आप जब कैलसी स्टार्ट करें तो आपका कैलकुलेशन पॉइंट पर ये डी जो है, डी का सिंबल आपको दिखना चाहिए। अगर ये आर के सिंबल में या आर ए डी दिखा तो इसका मतलब कैलसी आपका रेडियंस में ऑपरेशन करेगा, ठीक है, रेडियंस में आउटपुट देगा। तो अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई भी मोड या कोई भी ऑप्शंस या मेन्यू के लिए आपको मोड सेटअप के बटन पे जाना होगा। आप देखेंगे ये 8 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्टैट्स का ऑप्शन है, इक्वेशंस का ऑप्शन है, टेबल है, कॉम्प्लेक्स है, बेस, एन, मैट्रिक्स और वेक्टर का, सबका फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसमें से आपको इक्वेशन पर जाना है क्योंकि आपको तीन अननोन्स के इक्वेशन जो है इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ तो इक्वेशन के फॉर्म में जाते हैं, नंबर कौन सा है सीक्वेंस में, नंबर 2 है, नंबर 2 पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपके अननोन्स कितने हैं, तीन अननोन्स है आपके पास, 1, 2, 3, 4, चारों सेक्शंस में आपको अलग अलग टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 आप देखिए, तो इसमें लिखा है (anx + bny + cnz = dn), दैट स्टैंड्स फॉर, ये एक्स वाई जेड जो है तीनों अननोन्स है और dn जो है दैट स्टैंड्स फॉर द कॉन्स्टेंट पार्ट। तो हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस को वैसे ही जमा करके रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट पे आप देखिए (anx + bny = cn), मतलब ये x और y आपके अननोन्स होंगे। तो अगर दो अननोन का इक्वेशन होगा तो आप फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल यहाँ पे तीन अननोन्स का इक्वेशन है तो आप सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, cn स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट, या सेकंड पार्ट पे dn स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट। तो मेरे पास तीन अननोन है, मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पूरा मैट्रिक्स का पोर्शन जो है ये मेरे पास ओपन होकर आ गया। अब रैंक वाइज मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर रखा है, मैंने i1 को ही पहले रैंक पर रखा हुआ है, i2 सेकंड पर, i3 थर्ड पर और इक्वल टू के उस तरफ कांस्टेंट। तो जो भी नंबर है उसको पहले मैं फीड कर देता हूँ, जैसे -3 i1, तो -3 पुट किया, इक्वल टू का बटन, अपने आप वो शिफ्ट हो गया सेकंड रैंक पर। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा +2, ठीक है, 2 पुट किया मैंने, इक्वल टू का बटन, ये देखिए फीड होता चला जा रहा है अपने आप। फिर 4 को मैं पुट करूँगा यहाँ पे, 4 और इक्वल टू, ठीक है। और डी का पोर्शन आ गया, देखिए कैलसी के टॉप पर डी दिख रहा है, दिस इज फॉर योर कॉन्स्टेंट 15, इक्वल टू के उस तरफ ही हम लोगों ने लिखा है इसलिए +15 ही लिखेंगे, उसका साइन नहीं चेंज करेंगे। सेकेंड रैंक पे शिफ्ट हो गया कैलकुलेटर अपने आप। अब सेकंड पोजीशन पे आप पहुंच जाइए, अब यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, इक्वेशन में पहला जो टर्म है दैट इज 4, तो इसको पुट कर लेते हैं, देन इसके बाद -4 फॉर i2,
और 6 फॉर i3, ठीक है, और इक्वल टू के उस तरफ माइनस 8 है, माइनस 8 पुट कर लेते हैं। ऐसा ही तीसरे इक्वेशन में भी करिए। इक्वेशंस की ज़रूरत आपको बहुत जगह पड़ेगी, जैसे KVL, KCL, इन सब जगह पे आप इक्वेशंस बनाते हैं, तो इन सबको सॉल्व करने का तरीका यही है। आप KCL का बनाएंगे तो V1, V2, V3 के फॉर्म में होगा, या VA, VB, VC के फॉर्म में हो गया अननोन्स, ठीक है। चलिए इक्वेशंस फीड कर दिया हम लोगों ने, तो फाइनली पूरे के पूरे इक्वेशंस यहाँ पर आ गए। लास्ट में 4 भी मैंने फिट कर दिया, और अब इक्वल टू का बटन जो है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा एक्स जो है वो I1 की वैल्यू बताएगा आपको, पहले रैंक का जो अननोन है उसका नाम है। तो ये फर्स्ट रैंक में हर जगह देखिए तीनों इक्वेशन में मैंने I1 रखा था, एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर पे आ गई आपके पास, है ना। हर इक्वेशन में पहला मैंने I1 ही रखा है, तो एक्स की वैल्यू I1 को शो करेगी, वैसी वाई की वैल्यू I2 को शो करेगी। I1 की वैल्यू किस में आई है, -89/66। इसको मैं अगर फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल्स में लाना चाहूँ तो SD का ये बटन आपको हेल्प करेगा इसमें। इस बटन को प्रेस किया, -1.3484 ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब वाई चाहिए यानी कि I2, ये भी फ्रैक्शन में, इसको भी SD के बटन से आप डेसिमल में लेके आइए, 2.1719। और Z की वैल्यू 91/66, इसको भी डेसिमल में लेके आऊँगा मैं, 1.3787, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड यानी कि I1, I2, I3 तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब सपोज कर लीजिए कि आपके कैलकुलेटर में आपको लग रहा है कि डेटा सॉल्व करते करते सर एक जगह माइनस की जगह प्लस लिख दिया मैंने गलती से, एक ही वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे ये -4 है, इसको +4 करना था। तो देखिए आप ये इस कर्सर का इस्तेमाल करिए, इसे ले करके आइए अपने वैल्यू पर जिसे बदलना है। देखिए नीचे दिख रहा है आपको -4, इसको आप -6 कर दीजिए, है ना। मान लीजिए -6 करना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करिए, देखिए उस जगह पे -6 फीड हो गया। तो ऐसा आप बीच की वैल्यू को भी अगर करेक्ट करना चाहें आप करेक्ट कर सकते हैं। अब फिर से आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, अब नया आंसर आपके पास आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है। -4/7 फिर से SD करके इसको कर सकते हैं। पूरा फंक्शन हो जाने के बाद आप इक्वल टू, आप AC का बटन 2 बार प्रेस करिए और नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल मोड में लेकर के आने के लिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप दो अननोन का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फिर से मोड सेटअप के ऑप्शन पर जाके इस दो रैंक के मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर सपोज कर लीजिए इसमें कोई डेटा फीड करना है, आप यहाँ से फीड कर सकते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। AC का बटन काम आएगा यहाँ से, और अगर आपको फिर नॉर्मल ऑपरेशन पे जाना है तो हाँ मोड के बाद फर्स्ट नंबर पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो कैलसी आपका नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फेजर फॉर्म। फेजर्स की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर मान लीजिए डेटा है, कैलकुलेट करना है अगर आप लोगों को क्लास में, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 4+3j लिखा हुआ है पहला नंबर, और दूसरा है 12-4j। कभी भी ध्यान रखिएगा ये फेजर फॉर्म के कैलकुलेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स मोड में होते हैं, इसमें आपका कैलसी कॉम्प्लेक्स मोड में सेट होना जरूरी है। तो यहाँ ऊपर CMPLX लिखा हुआ आना चाहिए टॉप रैंक पे। कैसे आएगा ये, मोड का बटन प्रेस किया, आप देखिए सेकंड नंबर पे CMPLX लिखा हुआ है, प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आपके कैलसी के टॉप पर CMPLX लिखा हुआ है, दैट मीन्स अब आपका कैलसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया। स्टार्ट करते हैं इसका ऑपरेशन। तो 4+3j लिखना है। अब j इज अ मेन कंसर्न कि सर j आएगा कहाँ से, ठीक है, और ब्रैकेट यूज करें तो और अच्छा एक्यूरेसी के साथ आपका डेटा सॉल्व होगा। 4+3j कहाँ पे है, j बेसिकली आयोटा का फंक्शन होता है, जो ENG का ये बटन है इसी के ऊपर लिखा हुआ j दिख रहा है आपको, ENG के इस बटन के ठीक ऊपर आपको j लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के आयोटा का बटन आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आयोटा। बिना शिफ्ट प्रेस किए भी अगर आप ENG का बटन प्रेस करेंगे तो भी आयोटा आ जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। और फिर इसके बाद ब्रैकेट में 12-4j, 12-4, या तो शिफ्ट दबाएं या बिना शिफ्ट के भी आप आयोटा ला सकते हैं। कुछ पुराने मॉडल्स में आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है, न्यू मॉडल्स में आपको ये नहीं करना पड़ता है। इक्वल टू का बटन प्रेस किया, आंसर आ गया आपका 16-j, ठीक है, 16-j आपका आंसर है। तो ये आंसर आपको किस फॉर्मेट में मिला, इनपुट आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया, आंसर भी आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आया। नेक्स्ट दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो उसमें मैंने डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सेकंड ऑपरेशन में, तो चलिए लिखते हैं 6-7j, 6-7j, ठीक है, प्लस 2+, मैंने सामने लिखा j3, j को इस बार आगे लिखा एक चीज़ बताने के लिए। देखिए अभी इससे क्या होता है, आप ब्रैकेट यूज़ करें तो करें, नहीं भी करें तो भी आप देखिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखाएगा आपका कैलकुलेटर। कारण इसका ये है कि ये जो j मैंने सामने लिखा है 3 के, कैलकुलेटर इस मोड में नहीं समझता है, आपको उसको नंबर के बाद ही लिखना पड़ेगा, तब आपका कैलसी सही आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन भी एक ध्यान रखिएगा।
जब भी फेजर फॉर्म में कैलकुलेशन करें तो आयोटा की प्लेसमेंट जो है वो हमेशा नंबर के बाद होनी चाहिए। तो आप नॉर्मली सॉल्व करने के समय पहले लिख सकते हैं, बट ऐसे जब आप कैलसी में सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर के बाद ही लिखिएगा। ठीक है, सो ब्रैकेट यूज करके आप प्रॉपर ऐसा सॉल्व करेंगे तो एकदम बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, ये आपका आयोटा है। अब इसके बाद नेक्स्ट, 8 माइनस 4 i आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट आपने यूज़ किया, 8 माइनस 4 आयोटा या 4j, ये फॉर्म आया। तो आयोटा की प्लेसमेंट हमेशा नंबर के बाद करना ये ज़रूरी है, नंबर से पहले इसे नहीं रखना है। नॉर्मल कैलकुलेशन में आप मैन्युअली अगर कर रहे हैं तो कहीं पे भी रखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 8 माइनस 4 आयोटा आपका आ गया। अब इसके आगे हटा दिया इस फंक्शन को, नेक्स्ट और कैलकुलेशंस करते हैं थोड़े से। मान लीजिए अब इसी में पोलार फॉर्म में डेटा आपको दे दिया। ठीक है, डेटा जो है आपका पोलार फॉर्म में, तो ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है 4 at an angle 60। कॉम्प्लेक्स मोड में आपका डेटा जो है कैलसी में सेट होना चाहिए, तो ये सारे ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मोड में ही परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसे 4 at an angle 60 मल्टीप्लाइड विथ 3 at an angle -20 degree को। ठीक है, ये पोलार फॉर्म का एक्सप्रेशन है और कॉम्प्लेक्स में आपके कैलसी का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो ये भी कॉम्प्लेक्स का ही ऑपरेशन है। वैसे ही डिवाइड का ऑपरेशन भी यहाँ पे करेंगे। तो अब 4 at an angle 60 जो है ये कहाँ से टाइप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंगल का बटन ये डैश्ड सेगमेंट पे है, इसके ऊपर देखिए एंगल लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये इस डैश के ऊपर, RCL के ऊपर ये डैश, डैश के ऊपर ये ऐसे एंगल दिखाई देगा आपको। ठीक है, ब्रैकेट सेगमेंट का जो ये सेक्शन है इसी बटन का आपका यूज़ करना है। ठीक है, सो 4 ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा, एट एन एंगल, इसे प्रेस करेंगे आप, शिफ्ट प्रेस करके आप इसे प्रेस करेंगे, प्रॉपर एट एन एंगल आ जाएगा यहाँ से। और उसके बाद 60, तो उसमें जो भी आप टाइप करेंगे वो अपने आप डिग्रीज में आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये एट एन एंगल का बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा कलर कोडिंग के हिसाब से, जैसे शिफ्ट का जो कलर है, जिन भी बटन्स के ऊपर लिखे हुए कलर शिफ्ट के कलर से मैच होते हैं, उन सभी चीज़ों को लाने के लिए आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और जिन चीज़ों का कलर अल्फ़ा लिखे हुए बटन के कलर से मैच होगा उनको स्क्रीन पर लाने के लिए आपको अल्फ़ा का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सब ऑपरेशन जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ये सब बटन अल्फ़ा से आएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा का बटन प्रेस करके जब आप उसी सेम बटन को प्रेस करेंगे तो वो अल्फा कोड के जो डेटा है उनको लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब वेरियस बटन जो है वो सब शिफ्ट के कॉम्बिनेशन से आने वाले हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 4 at an angle 60 है ना, तो शिफ्ट का बटन दबा के मैंने एंगल लाया, और अब यहाँ पर 20 60 जो भी लिखना है, 60 है ये तो 60 लिख लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है विथ अगेन ब्रैकेट 3 at an angle, इस बार -20, तो ये डिग्रीज के लिए, ये फेज के लिए है ना, ये फेज एंगल है, सो -20, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो आप अंदर। मल्टीप्लाई किया, अब आंसर जो है हमको पोलार फॉर्म में चाहिए, आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, आपका कैलसी जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आउटपुट देगा, जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 9.1925 बड़ी सी वैल्यू, प्लस प्लस 7.7 समथिंग। अब आप देखिए जो डेटा इनपुट दिया मैंने पोलार में और आउटपुट मिला मुझे कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसे नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से आप इसको और फॉरवर्ड करेंगे आपको आयोटा दिखेगा, मतलब ये ए प्लस जे बी का फॉर्म है, और ए प्लस जे बी का फॉर्म बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। तो मतलब आपके कैलसी ने आंसर तो सही दिया है, बस आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है इंस्टेड ऑफ पोलार फॉर्म। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलार। कैसे कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करिए, नंबर 2 पे देखिए कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसे प्रेस करेंगे, उसके बाद नंबर 2 पे कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए, 1 2 3 4, चार फॉर्म अलग अलग दिए हुए हैं, थर्ड नंबर पे है R at an angle theta जो कि बेसिकली पोलार फॉर्म है जिसमें हमको आंसर चाहिए, थर्ड पे R at an angle theta है, तो 3 का बटन प्रेस किया। अब आंसर में पूछ रहा है कि इसे आंसर को R at an angle theta में कन्वर्ट करना है, आप इक्वल टू का बटन दबाइए, यहाँ से इक्वल टू का बटन प्रेस किया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 at an angle +40 degrees। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज़ जानिएगा कि जो कैलकुलेटर है आपका वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब ऑपरेशन जब पोलार में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलार में आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको आंसर रेक्टेंगुलर में ही देगा। ठीक है, तो उसको आपको हर बार पोलार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, कोई डेटा अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का ये बटन आप यूज़ करिएगा, जैसे डिवाइड करना है आपको तो डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शन का सिम्बॉल यूज़ किया,
10 एट एन एंगल 20 डिग्रीज, नीचे के एरो से मैं नीचे लेके आऊँगा इसको डिनोमिनेटर में, और 5 एट एन एंगल माइनस 4 पुट किया, ठीक। अब मुझे पता है कि आंसर जो है इसका रेक्टेंगुलर में देगा आपका ख्याल से, ठीक है, ये पुट कर दिया डायरेक्टली इक्वल टू, तो आंसर आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पोलार में, तो कभी कुछ कुछ केसेस में आपको इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ में आपको पोलार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आखिरी में आयोटा है, ए प्लस जे बी का फॉर्म है ये, तो अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग पोलार फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन, 2 पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, 3 पे पोलार का सेगमेंट, और आ गया आपका आंसर। मैनुअली भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम आंसर आपको मिलेगा, 2 एट एन एंगल 24 डिग्रीज, ठीक है। तो ऐसे आपको पोलार का ऑपरेशन करना था। नेक्स्ट, इसी में सेम चीज़ जो अभी आप कर ही रहे थे, इसी को मैं एक बार अलग से एलैबोरेट करके बता देता हूँ कि फेजर का कन्वर्जन कैसे करेंगे। रेक्टेंगुलर से पोलार, पहला कन्वर्जन रेक्टेंगुलर से पोलार अगर कन्वर्ट करना है तो। अब इम्पिडेंस की वैल्यू में ऐसा कई बार आपको करना पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा में आपको दिया हुआ है इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू 25 प्लस 3 जे, कैलसी कॉम्प्लेक्स में है, 25 प्लस 3 जे ये पुट किया मैंने, ठीक है। इसका आंसर आपको पोलार में पूछा है कि मैग्नीट्यूड एट एन एंगल फेज के फॉर्म में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग देखते हैं। इक्वल टू का बटन प्रेस किया, आंसर में भी यही सेम रेक्टेंगुलर डेटा आ गया, है ना, सेम रेक्टेंगुलर डेटा आ गया। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, शिफ्ट 2 3, देखिए 3 पे है आर एट एन एंगल थीटा, तो 3 इक्वल टू, अब डेटा आपको देखिए रूट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, रूट 634 एट एन एंगल, तो मुझे रूट में नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट पूरा डेसिमल में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगेन एच डी का बटन, फ्रैक्शन से डेसिमल या रूट वगैरह से डेसिमल में लाना होगा, तो आप सीधे ये बटन को प्रेस करिए। देखिए अब आ गया 25.179 एट एन एंगल 6.842। तो इम्पिडेंस वगैरह का कैलकुलेशन करने के समय कई बार ऐसा डेटा आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, वैसे पोलार से रेक्टेंगुलर अगर करना है, बहुत ही आसान है ये फंक्शन। पोलार में आपको डेटा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डेटा दे रखा है 125 एट एन एंगल माइनस 40, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वल टू का बटन प्रेस करना है आपको, सिर्फ इक्वल टू का। कैलसी आपका ऑटोमेटिकली इसे खुद ही ले आएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बिना किसी कन्वर्जन मेथड के। देखिए इक्वल टू बस प्रेस किया आपने, तुरंत कन्वर्ट हो गया 95.755 और बहुत सारा 5 इनफैक्ट, माइनस 80 पॉइंट समथिंग आयोटा। तो अगर कैलसी आपका बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर देने के लिए बाउंडेड है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर पोलार से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ पोलार वाला डेटा लिखिए, आपका आंसर अपने आप इस ऐसे आयोटा के फॉर्म में मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, कोई अलग से कोई डिफरेंट कीज प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पोलार टू रेक्टेंगुलर कैलसी में डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, बस शर्त यह कि आपकी कैलसी जो है वो उसी मोड में सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करना है आपको इसमें, तो कभी कभी डेटा आपको ऐसा दिया रहेगा कि 20 cos 37 pi, इसको सॉल्व करना है, तो सारे के सारे बटन्स एज इट इज एज यूजुअल यहाँ पर शोन है, और आपको एक्स वाई जेड ये तीनों फंक्शंस के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मोड में लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। ये देखिए तीनों फंक्शंस जो है इनमें कैलसी नॉर्मल मोड में भी सॉल्व कर सकता है, सिर्फ आखिरी वाला जो मोड है वी, आखिरी वाला जो इक्वेशन है वी का, उसमें देखिए जे का टर्म लिखा है जिसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैलसी को कॉम्प्लेक्स मोड में रखना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए, यहाँ जे का टर्म आ गया तो जे ऑपरेटर आएगा, तो कॉम्प्लेक्स मोड यहाँ पर दिखना चाहिए कैलसी। तो अब कैसे डेटा आप पुट करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए सबसे पहले तो कैलसी को आप चाहें तो नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल मोड में ला सकते हैं, कंप्यूटेशन मोड फर्स्ट। अब एक्स का डेटा आप पुट कर सकते हैं 20 cos, यहाँ पर देखिए साइन कॉस टेन का टर्म है पूरा, तो यहाँ से कॉस का टर्म पुट किया, और 37 pi, पाई का बटन भी बना हुआ है अलग से, आप 3.14 मत पुट करिएगा, पाई का बटन यहाँ इंटू 10^2 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, तो शिफ्ट प्रेस करके आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से पाई अपने आप आ जाएगा आपकी इक्वेशन में, इक्वेट कर दिया आंसर आ गया अपना, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। सिमिलरली सेकंड वाले में 15 cos 34 pi, 34 फिर से अगेन शिफ्ट पाई का बटन माइनस 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज किया, और ये भी आपको आंसर बता देगा, ठीक है। ऐसे ही जेड वाले फंक्शन पे भी आप कर सकते हैं, 10 cos 60 pi, तो
तो इसमें आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसे आप नॉर्मल मोड में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज 10 cos 60 पाई प्लस 15 sin 80 पाई. ठीक है, इक्वेट कर देते हैं. कॉस और साइन दोनों का फॉर्म है, बीच में प्लस का भी साइन डला हुआ है, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. कैलसी एक बार में आपको आंसर बताएगा, लेकिन लास्ट वाले फंक्शन में जे का ऑपरेटर है जिसके लिए आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चाहिए. ठीक है, चलिए तो अब इसे पहले कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना है इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए. तो 20 cos 25 पाई प्लस जे 20 sin 60 पाई कॉम्प्लेक्स मोड पे आ गए. देखिए CMP लगा हुआ है, अब इसे सॉल्व करते हैं. तो अगेन वी विल राइट 20 इंटू कॉस, कॉस का बटन, 25 पाई ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब जे ऑपरेटर है तो आपको पता है कि इस पूरी वैल्यू के बाद जे लिखना ज़्यादा सही रहता है. तो आप सीधे लिखेंगे 20 साइन 60 पाई, 60 पाई, अब इसके बाद बाहर आप लगा दीजिए जे ऑपरेटर. पहले अगर लिख देंगे तो अगेन सिंटैक्स एरर देगा आपका कैलकुलेटर. ये आंसर आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में. अगर आपको रेक्टेंगुलर में डेटा चाहिए तो यहीं पर आपका आंसर आ चुका है. इन केस अगर आपको ये डेटा पोलार में आउटपुट के फॉर्म में चाहिए तब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो आउटपुट आ चुका है आपका, देखिए जे के फॉर्म में. तो कई बार ऐसे ऑपरेशंस में आपको ये करना पड़ता है. सपोज कर लीजिए आपको पोलार में आउटपुट चाहिए, कन्वर्ट कर लेंगे, शिफ्ट 2 3 इक्वल टू 4.951 एट एन एंगल -36 डिग्रीज. तो आपको एंगल भी मिल जाएगा और इसकी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगी यहाँ से. तो अपने आप ही आपका डेटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर से वापस पोलार में कन्वर्ट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं हम लोग. नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कैलकुलेशन यूजिंग पाई. पाई हो गया और 10^10 का कैलकुलेशन हो गया. मैग्नेटिक सर्किट में बहुत बार आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जहां पर रिलक्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी बार बार. ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट के कैलकुलेशन में आपको अगर ऐसा कैलकुलेशन करना है तो नॉर्मली आपको कॉम्प्लेक्स मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कंप्यूटेशनल मोड पर कर सकते हैं. बस अब फ्रैक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, जो डेटा है 1 अपॉन, अब ब्रैकेट लगा के हम सॉल्व करेंगे पूरे में, 4 पाई इंटू 10^-7. तो इंटू 10^ में क्या यूज़ करेंगे, तो आप प्रॉपरली टाइप भी कर सकते हैं इसको चाहें तो. ठीक है, आप डायरेक्टली इसको टाइप करके लिख सकते हैं कि इंटू 10, ये रेस टू द पावर के लिए देखिए एक्स टू द पावर अननोन यहाँ पर छोड़ा हुआ है, ये बटन, इस बटन को आप करेंगे प्रेस. अब यहाँ अंदर पावर में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जो भी डेटा होगा. -7 है तो अभी -7 लिख लेते हैं यहाँ पर. इस बटन को यूज़ करने से कई बार क्या होगा कि डेटा वापस ऊपर के फॉर्मेट में लाना, यानी न्यूमरेटर फॉर्मेट में लाने में दिक्कत होगी आपको. ठीक है, तो 4 पाई इंटू 10^10 यहाँ पर आ गया. अब इसमें डेटा पुट करते हैं -7. ठीक, अब कई बार क्या होगा कि आप अगर साइड का एरो नहीं दबाएंगे, साइड का कर्सर अगर नहीं यूज़ करेंगे, तो कई बार आप आगे का जो डेटा लिखेंगे वो ऊपर पावर में चलता रहेगा ऐसे. और ये हम लोग एग्ज़ाम में कई बार ऐसी वाली गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है, ये साइड का एरो दबाएंगे तब ये नॉर्मल डेटा आ गया नॉर्मल फॉर्म में. अब यहाँ से जो आप लिखेंगे वो रेगुलर फॉर्म में रहेगा, ना कि पावर में चला जाए. 0.25 इंटू 10^10 ये अननोन और ये -7. ठीक है, अब इसके आगे का जो डेटा है वो अलग ब्रैकेट्स में है. यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट शुरू में लगा देते हैं. तो कैलसी जो है एक्चुअल में सोलार पावर पे चल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिम हो जा रहा है साइड करते करते लाइट कम पड़ने से. ठीक है, इसके भी बिगिनिंग में मैं लगा देता हूँ एक बार ब्रैकेट. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका डेटा. नॉर्मली म्यू का कैलकुलेशन जब करना होता है तो म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट करते हो उसके अंदर 4 पाई इंटू 10^-7, जिस वजह से आपको ये डेटा बार बार पुट करना होता है रिलक्टेंस लगाने के समय, रिलक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के समय. अब इसके आगे का डेटा देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको पूरा ब्रैकेट के अंदर की फ्रैक्शनल क्वान्टिटीज है. तो एक और ब्रैकेट लगा दिया, फ्रैक्शन बना दिया, 0.432 इंटू 10^10. ये डेटा पूरा आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपसे इसमें बता देता हूँ, 0.432 इंटू 10^10 -3 और होल डिवाइडेड में
है ना, ये इसका डेटा जो है ये आप फीड कर सकते हैं, ये देखिए ये पूरा डेटा है, ठीक है, ये बड़ा सा नंबर जो है ये आ गया यहाँ पर, ये बड़ा सा जो इसका डेटा है ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कैलकुलेशन हुआ, रिलक्टेंस के केस में ऐसा बड़ा डेटा जो है वो आता है, और फुल लेंथ कैलकुलेशन आप एक ही बार में करते हैं। अगर सपोज़ कर लीजिए आप पाई की वैल्यू अलग से पुट करते हैं 3.14 वगैरह, और सिर्फ दो ही तीन डेसिमल प्लेस अगर आप ले रहे हैं, तो उस केस में आपके डेटे में आपका जो जो भी यहाँ पे जो डेटा आएगा उसमें बड़ा मैनिपुलेशन हो जाएगा। फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन इसका अगर सॉल्यूशन बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे? देखिए एक बड़ा सा सेगमेंट है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में खुद ही है, और उसके अंदर फिर से सेगमेंटल फ्रैक्शन भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो एक न्यूमरेटर के अंदर आप एक नया फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो, आपकी कैलसी में ये भी फंक्शन है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको 24/9.5 लिखना है प्लस 15/2.5 लिखना है, ठीक है। कई बार ऐसा कैलकुलेशन भी आपको करना होगा फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन का, अब आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि टोटल कितना आएगा, ठीक। तो फर्स्ट सेगमेंट पे पहले खुद ही एक फ्रैक्शन नया क्रिएट करते हैं न्यूमरेटर के ऊपर। तो एक बार फिर से इसी फ्रैक्शन के बटन को प्रेस करिए, देखिए ऊपर एक फ्रैक्शन बन गया। अब आप इसमें वैसे ही नॉर्मली टाइप करिए 24, नीचे का एरो प्रेस किया 9.5, फिर साइड का एरो प्रेस किया प्लस, अगेन एक नया फ्रैक्शन 15/2.5, ठीक है। फिर डाउन पे चलना है आपको, मतलब इसके बाद डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो एक और बार फ्रैक्शन का बटन आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। एक और बार फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया तो देखिए आपकी स्क्रीन में आधा ही दिख रहा है, बट आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि वो पूरा का पूरा सॉल्व कर लेगा। स्क्वायर का बटन देखिए तो स्क्वायर अगर फीड करना है वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, अपॉन 4, फिर इसके बाद साइड का एरो, फिर प्लस, अगेन एक फ्रैक्शन 1.61, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.2 ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा दिया मैंने लगता है इस कैलसी से। अब इसके बाद साइड में ब्रैकेट को क्लोज ज़रूर से कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेट्स सी अब इसका आंसर निकलवाते हैं। तो एक्स की वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में आ गई अपने पास, इसको एच डी का बटन प्रेस करके आप डेसिमल में लेके आ जाइए 0.214, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिक कैलकुलेशन इतने करने रहते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के अंदर भी आपको इस टाइप से कैलकुलेशंस की नीड पड़ती है। तो आप ये सारे के सारे ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस कैलसी के अंदर, आप मैथ्स बना रहे हैं या और अलग अलग मोड में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और मैं इसके अंदर बता देता हूँ, कई बार ये होता है कि फेजर कन्वर्जेंस के अंदर हमको डेटा को ऐसा प्रोग्राम करना है कैलसी को कि कैलसी आपका आउटपुट जो है वो किस फॉर्मेट में दे, फिक्स्ड कर दो आपकी वो पोलार में ही आउटपुट दे। तो आप देखिए शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस किया, ये देखिए इतने अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पे खुल गए। आप एरो को और थोड़ा डाउन फीड करिए तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स मोड, थर्ड नंबर पे कॉम्प्लेक्स का मोड दिखा, थर्ड प्रेस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट पूछ रहा है आपको कैलकुलेटर कि किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो आप इसको परमानेंटली जो है इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग को बदल सकते हैं। आप नंबर 2 का बटन प्रेस करिए, आर एट एन एंगल थीटा के मोड में सेट हो गया आपका कैलसी। अब आप किसी भी फॉर्म में इनपुट देंगे उसको कॉम्प्लेक्स में, अब वो आंसर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही देगा। करके देखते हैं, कॉम्प्लेक्स मोड में सेट किया, कोई डेटा लेते हैं जैसे 4 एट एन एंगल 60, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना था 2 एट एन एंगल -30 इससे। तो नॉर्मली आंसर किस में आता? नॉर्मली आंसर आता अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। देखिए ब्रैकेट नहीं लगा था इस वजह से सिंटैक्स एरर हुआ, अब ब्रैकेट लगा दिया मैंने, अब देखिए आंसर बाय डिफॉल्ट आपका आ गया किसमें? पोलार फॉर्म में। तो ये प्रोग्रामिंग आप चेंज कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर की, ठीक है। अब आंसर आपका हर केस में पोलार में ही आउटपुट आएगा, आप रेक्टेंगुलर इनपुट देंगे तभी भी आंसर आपका पोलार में ही आएगा। तो ये शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस किया, ये बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें चेंज कर सकते हैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग से हटा के। ये डाउन का बटन प्रेस किया उसके बाद, ये देखिए कॉम्प्लेक्स मोड है ना, ऐसे ही यहाँ पे डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करने के लिए भी 6th नंबर का बटन है, आप कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले 6 का बटन प्रेस करेंगे तब एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मोड के लिए ऐसा कैलकुलेशन था। देखिए कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स वापस आप चाहें तो A+IB के फॉर्म में सेट कर लिया। अब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपका कैलकुलेटर वापस से आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आउटपुट देगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस ऑपरेशन, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी
प्रॉपर पसंद आए, और इसमें से बताई हुई चीज़ें भी जो है कैलकुलेटर के ऑपरेशन के रिगार्डिंग वो आप लोगों को प्रॉपर से अच्छे वे में कनेक्ट होता होगा। ठीक है, तो अब ये सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। कैलसी के रिगार्डिंग और प्लस और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के कैलकुलेटर के लिए ऐसा ही वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं और लेकर के आऊँगा जल्दी। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माई डियर स्टूडेंट्स।